आपके आ जाने से में अब तक आपने देखा वेदिका और साहिल की पहली मुलाकात में हुई टकराव। हम उनसे शादी करोगे? ऐसा बेहुदा मजाक करते हुए शर्म नहीं आई आपको? जहां साहिल के घर पर जश्न मनाया जा रहा है, वहीं वेदिका अपना घर बचाने के लिए अपनी माँ के गहने गिरवी रखवाने दुकान पहुँचती है, जहाँ उसकी मुलाकात साहिल से दोबारा होती है और वहीं उसको पता चलता है नकली गहनों का सच। नकली इनके सारे गहने। लेकिन क्या वेदिका के लिए साहिल उठ खड़ा होगा इस मौके पर, देखिए आगे। सुनार की दुकान को कबाड़ खाना समझ रखा है आपने, जो ये कचरा गिरवी रखने चली आई। जी जी, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? तो क्या पग धुलाई करें इनकी? मेरी माँ के कम से कम 50 साल पुराने गहने हैं, मैं झूठ नहीं। बस बहुत हुआ, आए दिन आती हैं आप जैसी औरतें जो दिखती तो सीता है और निकलती है कहीं कहीं। चलिए अपनी पोटली उठाइए और बाहर निकलिए। सिक्योरिटी, मैडम को बाहर का रास्ता दिखाओ। जीजू रुकिए। आप इस तरह किसी औरत से कैसे बात कर सकते हो? आप प्लीज नीचे जाइए। साहिल जाइए नीचे, मैं संभालूंगा ये सब। अग्रवाल खानदान का मैं चिराग हूं और मैं भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। अब जाइए नीचे प्लीज। मैम पानी जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी जीजी को लगता है कि सब चोर हैं यहाँ पे, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आपको कुछ पैसे चाहिए तो? जी नहीं, थैंक यू। मैम सुनिए, एक्सक्यूज मी मैम प्लीज, मैम सुनिए, मैम मैम प्लीज मैम। इंटरव्यू कैसा हुआ वेदिका जी का? नौकरी मिली उनको? अरे नौकरी खाक मिलती, अब तो बस एक ही चारा है कि घर किराए पे चढ़ जाए, लेकिन उसके लिए भी वेदिका नहीं मानती। पता नहीं पैसों का इंतजाम कैसे हो। मम्मा ने मना किया ना घर के बाद बाहर वालों से करने के लिए। अरे चुप है। अरे बेटा हम कहाँ बाहर वाले हैं, अंकल हैं हम आपके, हमें आपकी फिक्र रहती है। हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं अंकल जी, ये शक्कर पकड़िए और जाइए, वरना अगर ये गर्मा गर्म चाय का प्याला गिर गया ना आपके ऊपर तो आपको डॉक्टर अंकल के पास जाना पड़ेगा। अरे अच्छा मैं चलता हूँ। बात करने की तमीज नहीं है तुझे, इस तरह बात करते हैं पड़ोसी से? क्या तो आप अपने घर पे मामा। अब क्या देखने आए हो कि मां मरी कि नहीं है? नकली इनके सारे गहने। आप तो बहुत बड़ी ठग निकली, रत्ती भर सोना नहीं है इसमें। गहने नकली कैसे हो सकते हैं और असली गहने कहां गायब हो गए? मां मेरी नौकरी पक्की हो गई है और साथ ही कुछ बोनस भी दे रहे हैं वो हमें। कांग्रेचुलेशंस मामू। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं। अरे बताया था ना तुम्हें, वेदिका के जेठ ने हमारी नाक में दम कर रखा है। पर माँ मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, अभी अभी तो मेरी नौकरी पक्की हुई है। कितना स्वार्थी है रे तू। स्वार्थी तो आप है माँ जी, पहले तो आपको हमारे साथ रहने में कोई परेशानी नहीं थी और जब बच्चे की देखभाल के लिए हमें आपकी जरूरत थी तो झट से छोड़कर आ गई हैं जीजी के पास। पैर पसार कर बैठने की आदत जो हो गई आपको। बेशरम, बेलगाम ज़बान चलाती जा रही है और तू तू खड़े खड़े देख रहे हैं। किरण, रोहित, कब आए तुम लोग? बस अभी अभी आए और आती माँ ने जहर घोलना शुरू कर दिया किरण के ऊपर। आर्या,
माँ, आप अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? गलत है, बिल्कुल गलत है गौरी। पति होकर ऐसे कैसे पेश आ सकते हैं दामाद जी? कहीं फालतू के चक्करों में पड़ गए? कहीं चोचने से बेटा पैदा होता है क्या? अरे बस बस चाची जी, सिर्फ 5। अपनी तो अपनी, तेरी भी मुसीबत लगा रखी। खाने पीने और पहनने पे ही जोर है या उसके लिए कुछ कोशिश भी कर रहे हो? कर तो रहे हैं चाची जी, पर टाइम देखकर। अंजना जी, भाभी जी। हाँ जी। आज देवी माँ के लिए खास भोग बनाओ। त्रिपाठी जी से बात हो गई है, उस साहिल और निधि के रिश्ते के लिए हाँ बोल दिए हैं। सच्ची भाभी जी? और तुम, तुम्हारी जुबान का हलक में अटक गई है। भाई के रिश्ते की बात हो रही है और तुम चुप्पी साधे बैठी हो। नहीं अम्मा, हम वो सोच रहे थे कि एक बार साहिल की पसंद पूछ लेते तो अच्छा होता ना। हम अपने बेटे के दुश्मन नहीं है जो उसकी खुशियों का गला घोटेंगे। अपने जूते जुराब रखने का सलीका नहीं है अपने लिए पत्नी का चुनेगा। जितना प्यार हम साहिल से करते हैं ना, उससे ज्यादा वो हमसे करता है। हमारे फैसले को कभी टालेगा नहीं। जी भाभी जी। जाओ। जी भाभी जी। चाची जी, हम सोच रहे थे कि अगर साहिल को बड़ी अम्मा की पसंद पसंद ना आए और उसने किसी और को पसंद कर लिया तो? शुभ शुभ बोल। देवी माँ करे, साहिल और भाभी जी की पसंद एक ही निकले और साहिल को कोई दूसरी पसंद ना आए। बहुत अच्छा लगा तुम लोग आए। वेदिका छोड़िए सब, इधर। कितने पैसे मिले? अरे देना। वापस ले आए? माँ कहने नकली है। क्या? कहने देखा? देख लिया अपनी औरत की नियत? बोल असली गहने कहाँ है? बता कहाँ है असली गहने? अपनी माँ को हमारी, हमें नकली है? मेरे माँ बाप कोई फटीचर नहीं जो आपके गहने बदल दे। आप खुद ही कहीं छोड़ कर आई होंगी। रोहित चुप करा ले इसे, नहीं तो हमारी जबान खुल गई। आपकी जुबान से हमेशा जलीकट्टी सुनी है हमेशा। आप दोनों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। रोहित तुम तो जानते हो ना माँ को। जी जी आप रहने दीजिए, आप बहुत महान है जो आप इतना सह लेती है, इतनी इज्जत करती है। गलती होगी हमसे जो हम आपसे मिलने चले आए। आपसे जितना दूर रहे ना उतना अच्छा है। हाँ तो जाओ ना। माँ किसने बुलाया था? चले आए हमारा खून जलाने। माँ इतना मत बोलो कि रिश्ते टूट जाएं। अरे टूट जाए रिश्ते, वैसे भी हम मरे नहीं जा रहे इनके साथ रिश्ते रखने के लिए। जी जी मैं जा रहा हूँ, आज के बाद ये बेटा इस घर में वापस नहीं आएगा। नहीं नहीं रोहित। हाँ जी जी, आपको अपने भाई की जरूरत हो तो बुला लेना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जी जी रोहित। नहीं जी जी बस बस। किरण प्लीज, एक भी ना असली। आपकी इसी बात पर हमारी तरफ से एक वाह, यानी 1 लाइक। कल कहाँ मिले? वही अपने पुराने अड्डे पे या कहीं और? चले आप उसी वेबसाइट पे मैसेज कीजिए ना, वही चैनल पे देख लेंगे। फिल्म इतनी बुरी भी नहीं बनाई डायरेक्टर ने कि कॉमेडी फिल्म देखकर कोरोना आ गया। रिव्यूज नहीं पढ़े आपने? स्टूपिड साहिल, आप यहाँ पिक्चर देखने थोड़ी ना आई हैं। जैसे मैं यहाँ दुकान से भागकर सोने आया हूँ, आप यहाँ घर छोड़कर रोने आई हैं, करेक्ट? जब मुझे अकेले रहना होता है मैं यहाँ आ जाती हूँ ताकि लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें। समझिए, वैसे मैं काफी कमीने किस्म का लड़का हूं, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता मुझे, पर
पर पता नहीं क्यों मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। और आज जो दुकान पे हुआ मैं उसके लिए। दुकान पे तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं अनजान लोगों से मदद नहीं लेती और तुम मेरे लिए अनजान हो, इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। साहिल अग्रवाल, एक खूंखार सुनार का बेटा हूं, थोड़ा टेढ़ा हूं। अभी आप अपने बारे में कुछ बता देंगे तो हम अनजान नहीं रहेंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे अकेला छोड़ दो। जी आराम से रो लीजिए, फिल्म खत्म होने के बाद बात करेंगे। मैंने कहा था ना हम अनजान नहीं है। हम तीसरी बार मिले पर मुझे यकीन है कि आखिरी बार नहीं है। हम जो भी हैं कुछ तो हम दोनों के बीच। नीचे बैठ के थोड़ी पढ़ेंगे, ऊपर का। हाँ हाँ यहाँ थोड़ा इधर। अरे अम्फी भी टेढ़ा है, आप ही लगा लो फिर। मैं ठीक है। हाँ हाँ चिपका दे। अरे ओ रईसों की औलाद, अरे आंखें हैं कि बटन चिपका रखे हैं अपने थोपड़े पे। अरे माजी गलती आपकी है ना। खबरदार जो हमारे साथ जवान लड़ाई तो हाँ एक कंटा देंगे ना तो गाल में छेद कर देंगे। हाँ पकड़ से समझाती हूँ मैं। एक पत्थर उठा के नहीं नहीं एक पत्थर नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। तो शीशा फोड़ देंगे। हाँ इका शोर शराबा लगा के रखा है। इतनी बड़ी गाड़ी आपको नहीं दिखती है का? अबे अमीर जादी, अरे गाड़ी ना हो गई रॉकेट हो गया जो कहीं भी उड़ाए ले जा रही हो। इस तरह जाहिलों की तरह से सड़क पे घूमोगी तो कीचड़ ही उछलेगा ना। जाहिल हम? अरे जाहिल है तू, जाहिल तेरे बच्चे, तेरा पूरा खानदान जाहिल जाहिल जाहिल। एक सेकंड मैडम जी, माइंड ना करेगा, तमीज से बात कीजिए आप। तमीज बड़ी अम्मा ये। अरे कौन अम्मा, किसकी अम्मा? ये सब ओहदे ना अपने खीसे में रखो। हाँ और माफी मांगो हमसे। हम तुमसे तमीज से बात कर रहे हो, तुम बदतमीजी किए जा रही हो। माफी हम नहीं तुम मांगोगी हमसे। देर से मांगेंगे हम माफी है? अरे हम तो तुम जैसों पर थूके भी नहीं। एक नारियल उठा के ना ऐसा थर फोड़ेंगे। एक शब्द और भी निकाला ना तो जीना दुभर कर देंगे हम तुम्हारा। अरे चल चल निकल यहाँ से, निकल लो निकल लो। अब चलिए पागल हो गए। आज के बाद चली, चली। हमारे मोहल्ले के आसपास तू भटकी भी ना। नहीं नहीं कि तू अरे हाँ हाँ तो कहना कर लेना, जाओ जाओ कधे पे बैठने लायक नहीं रहोगी। भगवान न करे जाहिल गंवार, इस तरह के परिवार वालों के साथ हमारी जिंदगी में भी कभी पाला पड़े। चलो ड्राइवर चलो। पता नहीं कहां से आ जाते हैं, सबके सब कपड़े गंदे कर दिए। चल आर्या मा। कहां चले गए मुझे बताया भी नहीं। इतना इरिटेट क्यों? कहाँ गए थे तुम लोग, मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मा आपको पता है नानी ने कितना बड़ा कांड किया है सब। अरे अरे वो अमीर जादी हमें मिल जाए ना तो उसका जूड़ा खोल के बाल खींच के सीधे कर दूंगी। हाँ अरे पर माँ वो थी कौन? हमें क्या पता, पर कोई बड़ी हस्ती थी। और मम्मा आप प्रे करना कि उनकी और नानी की मुलाकात कभी ना हो। अच्छा बाबा आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ और मुझे बताओ हुआ क्या। अरे वो सब छोड़ो ना,
मम्मा, मम्मा आपको पता है मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अच्छे से अच्छे कपड़े, बड़ी गाड़ी, नया घर, वॉशिंग मशीन, बहुत कुछ। मम्मा देखना, मैं इतने पैसे कमाऊंगी, इतने पैसे कमाऊंगी कि आपको पूरी दुनिया घुमाऊंगी। फिर आर्या एक चुटके बजाएगी और सारी प्रॉब्लम्स खत्म। मेरी बच्ची, चलो एक काम करते हैं, आर्या एक चुटकी बजाएगी और मम्मी डिनर पे ले जाएगी। सच में? सच में, वही वही। जाओ जाओ। अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से इमोशनल होना उसका सोल्यूशन नहीं होता। जिंदगी तो आगे बढ़ने का नाम है, और रही बात सोल्यूशंस की तो वो भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें खुश रहना जरूरी है। बढ़िया माँ, जन्मदिन आपका है पर सरप्राइज मुझे मिल रहा है, क्यों? क्योंकि अपने जन्मदिन पर हम तुमको एक तोहफा देने जा रहे हैं। तोहफा? कहाँ है तोहफा? निधि, तोहफा? इसका क्या करूंगा मैं? यहाँ हमारे जन्मदिन पर तुम दोनों नाचोगे। डांस? इसमें क्या है? आजा पूछ। बढ़िया माँ को अपने मूव्स दिखाते हैं। चल। आपको पता है मम्मा, मुझे इस ढाबे का खाना ना बहुत अच्छा लगता है। सच में बहुत टेस्टी बनाते हैं, और देखो म्यूजिक भी मेरी पसंद का। सुट्टी तेरा ड्रामा मचा दे हंगामा। क्या हुआ माँ? पता नहीं मेरे असली गहने किसने चुरा लिए, तो सारे दरवाजे बंद हो गए। कुछ भी कर ले, ये घर तो गया अपने हाथ से। नहीं माँ, घर नहीं जाएगा। मैंने फैसला किया है कि हम किराएदार रखेंगे। सच में मम्मा? हमें तो पहले से ही पता था, इसलिए हम दोनों सारी दुकान में पर्चे चिपका के आ रहे हैं आज। क्या? अरे हम तो बाबा हसमुख लाल के यहाँ कह आए हैं कि पाठ पढ़ दो, कि हे भगवान हमें एक अच्छा किराएदार मिल जाए बस। लेकिन माँ, कोई शादीशुदा शरीफ परिवार को ही रखेंगे, कुवारे लड़कों को नहीं। तू फिकर मत कर, चल तू खा। बैचलर्स को किराएदार रखना तो रिस्क है। घर पे हम तीनों औरतें अकेली रहती हैं, हमें हर हाल में चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि अपना ख्याल तो खुद ही रखना है। आप लोगों की मौजूदगी ने हमारे जन्मदिन को यादगार बना दिया है, और आज हम इसे और भी यादगार बनाने जा रहे हैं।
पढ़ी अम्मा? इनकी बचपन की दोस्ती को शादी के अटूट बंधन में बांधने जा रहे हैं हम, तो तालियों से स्वागत कीजिए हमारे इकलौते बेटे और होने वाली बहू का।